हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीएल जोन। गाइस काफी टाइम बाद यहां पे वीडियो बनाई है मैंने एसएससी के ऊपर, स्टेनोग्राफर के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट हैंड की। काफी टाइम बाद वीडियो रिलीज की है, आई नो अबाउट इट, क्योंकि कुछ चीजों पे मैं यहां पे वर्क कर रहा था, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पे हम वो बातें करने वाले हैं जो आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहां पे मेन टॉपिक हमारे पास में है एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। गाइस आप में से कई लोगों को यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किल टेस्ट जो आने वाला है कब आने वाला है, उसकी तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। हमारे इतने मार्क्स हैं तो हम इसकी किस तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ प्रैक्टिस करें इसकी। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जितना टाइम हमारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है, कब इसका एग्जाम हो सकता है और जितना टाइम हमारे इसमें अवेलेबल है हम किस तरह से इसका स्टडी करें, ठीक है, किस तरह से हम टॉपिक लें, किस तरह से हम उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, सारे यहाँ पे ट्रिक टिप्स जो भी होंगी मेरी तरफ से आप सभी के लिए रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे एक लाइक का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, शेयर का ऑप्शन होगा, ठीक है, ये सारी चीजें बाद में कर देना, लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। एक रेड कलर का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद एक साइड में ऑप्शन आएगा बेल आइकन, ठीक है, उस पर क्लिक कर दें ताकि शॉर्ट हैंड की जो भी यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो आए, ठीक है, आपके पास में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे अपने टॉपिक देख लिया होगा, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 का स्किल टेस्ट कब होने वाला है और किसके हम क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। ओके गाइस तो मैं आपको बता चुका हूँ इसके यहाँ पे कितनी मेरिट जा सकती है। एंड बात करते हैं इसका एग्जाम कब हो सकता है। गाइस इसका एग्जाम काफी बार पोस्टपोन हो चुका है, इसके जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस थे स्किल टेस्ट होने के, लेकिन कुछ वजह से यहाँ पे एग्जाम इसका पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है गाइस। एडमिट कार्ड आ चुका था इसका, कुछ डिपार्टमेंट का कुछ जगह से आ चुका था रीजन का, बट वहां पे पोस्टपोन हो चुका था। उसके बाद दोबारा से इसका एडमिट कार्ड आया फरवरी में, ठीक है, 24 फरवरी से इसका स्किल टेस्ट स्टार्ट था एमपीआर रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में, बट वो भी पोस्टपोन हो चुका है। माना जाता है कि इसका रीजन है वो यहाँ पे रीजन है कि सीएचएसएल एग्जाम भी यहाँ पे मार्च में होने जा रहा है, तो गाइस उस एग्जाम की वजह से यहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है और इसके चांसेस जो बनते हैं वो अप्रैल में होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। जो स्किल टेस्ट हमारे पास में होने वाला है स्टेनोग्राफर का 2017 का, तो वो हमारे पास में चांसेस है अप्रैल में होने के। ओके गाइस तो अप्रैल में होने के चांसेस है। यहाँ पे मैं मानता हूं कि हमारे पास में जो टाइम अवेलेबल है वो है लास्ट वीक ऑफ फेब एंड होल मंथ ऑफ मार्च, हमारे पास में टाइम अवेलेबल है 5 वीक्स। 5 वीक के अकॉर्डिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस तो देखिए अब किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको ये सारी चीजें पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, और उसको आप फॉलो करते भी आ रहे हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है वो भी इस बात को जानते हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है, ठीक है, कॉल पर स्टूडेंट से, वो भी इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी के लिए दोबारा से एक बार बता दूं, ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रहेगी कि मतलब जितना 5 वीक के अंदर हम किस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाएं और किस तरह से हम इसकी स्टडी करें। ओके गाइस जो स्किल टेस्ट होने वाला है 5 वीक बाद हम मान सकते हैं 5 वीक का हमारे पास में टाइम है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए गाइस। देखिए सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट वीक का बताऊंगा, वीक 1 से जो हमारे पास में फेब का लास्ट वीक होगा वहां पे हम कौन सी मैगजीन क्या करें, ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे कैलाश चंद्र मैगजीन, ठीक है, कैलाश चंद्र मैगजीन से हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, प्लस में एक प्रोग्रेसिव ले सकते हो अगर आप सी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर डी के लिए कर रहे हो तो नेसेसरी नहीं है। ओके गाइस तो यहाँ पे हम कैलाश चंद्र मैगजीन सारी कवर करेंगे, कौन कौन सी कवर करेंगे यहाँ पे हम कवर करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ वो, ठीक है, बाकी सब आप रिवाइज कर चुके हैं वो एनफ है, ठीक है, रिवाइज हम करेंगे सारी मैगजीन एक एक करके, एक एक डिक्टेशन डेली करना यहाँ पे अभी टाइम नहीं है हमारे पास में, हमारे पास जितना टाइम अवेलेबल है उसके हम यहाँ पे रिविजन करने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे रिविजन करें, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वीक में आप कौन सी यहाँ पे मैगजीन की प्रैक्टिस करें, कौन सी यहाँ पे वर्ड्स प्रिपेयर करें, ठीक है गाइस। तो वीक वन हमारे पास में फेब का जो लास्ट वीक होगा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे वॉल्यूम नंबर कैलाश चंद्र की वॉल्यूम नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, कैलाश चंद्र वॉल्यूम नंबर 1, 2 एंड 3। अब ये तीनों मैगजीन लेंगे एंड इसके जितने भी डिक्टेशन हैं एक दिन में आप जितने कर सकते हैं, ठीक है, 4 कर सकते हैं, जितने भी आप, सारे करना जरूरी नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए और एक बार उसको बना के देख लीजिए, ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि इसको रिकॉर्ड करें या उसको
या किसी फ्रेंड को बोल दें उसको लिखने के लिए बोल दें, ठीक है। जहां पे आप रुके, जो आपको लगे कि डिफिकल्ट है यहाँ पे आपके लिए, तो उसके आप सही से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आप एक वीक में तीन हमारे पास में जो कैलाश मैगजीन है वॉल्यूम नंबर 1, 2 एंड 3 इजिली कवर कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बात करते हैं वीक टू की। वीक टू हमारे पास में मार्च का फर्स्ट वीक जो होगा वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे, गाइस वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे 4, 5 एंड 8 वॉल्यूम नंबर कैलाश चंद्र की 4th, 5th एंड 8। यहां पे आपको 6th और 7th की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ओके गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस करना वो आप कर सकते हैं, ठीक है, मेरे सजेशन में जो मेरा होगा तो मैं आपको वो बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड वीक में आपका जो सिलेबस होगा वो होगा हमारे पास में वॉल्यूम नंबर 4, 5 एंड 8, ओके गाइस। इसके साथ साथ में काफी चीजें करनी है, बताऊंगा, पहले आपको मैगजीन बता देता हूं। उसके बाद थर्ड वीक की बात करते हैं। थर्ड वीक में आप प्रैक्टिस करेंगे वॉल्यूम नंबर 21 एंड 22, ठीक है गाइस। कैलाश चंद्र लास्ट की मैगजीन 21 एंड 22 वॉल्यूम, ओके। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट वीक जो आता है फोर्थ वीक में आप प्रैक्टिस करेंगे 23rd एंड 24th वॉल्यूम की। यहां पे मैं लास्ट वीक में आपके पास में टू डिक्टेशन से जो बुक्स है वो आपको कवर कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे लास्ट की जो मैगजीन्स होती है वहां से एसएससी काफी ज्यादा लेता है। तो आप जितने भी यहाँ पे डिक्टेशन करें अच्छे से करें, जो आप टॉपिक है उसको क्लियर रखें, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे आपके डिक्टेशन स्किल टेस्ट में आ सकती है, ओके गाइस। तो यहाँ पे हमारे लास्ट वीक बचेगा वीक 5, वहां पे आपको जितनी भी मैगजीन्स हैं जो आपको लग रही डिफिकल्ट थी वहां पे उसको आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आप उसको मार्क कर लेंगे ये बुक में हमारे ये वाली डिक्टेशन जो थी वो डिफिकल्ट लगी थी, उसके आप प्रैक्टिस बार से कर सकते हैं, ओके गाइस। तो सब कुछ आपको रिवाइज करना होगा, लास्ट वीक में कभी भी नया नहीं पढ़ा जाता, ठीक है गाइस। तो यहां पे आप सब कुछ रिवाइज करेंगे। वापस आते हैं 1 वीक से, ठीक है। वीक 1 से मैगजीन आपको सारी बता चुका हूं यहां पे मैं, ठीक है, किस तरह से करना है वो बता चुका हूं। उसके साथ साथ में आपको क्या करना होगा, कितनी डिक्टेशन आपको डेली करनी होगी डेली बेसिस पे, गाइस सबसे पहले यहां पे आपको करनी होगी एटलीस्ट, ठीक है, 2 आपको डिक्टेशन सीन में जरूर करनी होगी। 2 डिक्टेशन मीन्स 2 यहां पे आपको टेस्ट जरूर देने होंगे, ठीक है, चाहे यहाँ पे आप ऑडियो में दें या कोई आपको फ्रेंड बोले या आपको क्लासेस में दी जाए, ठीक है गाइस। 2 सीन जो कैलाशन से होनी चाहिए एंड 1 अनसीन, ओके गाइस, वो भी कैलाशन से ले सकते हैं, ओके। तो 2 सीन 1 अनसीन, जिसमें से आप 1 सीन और 1 अनसीन को प्रॉपर टाइप करेंगे एंड उसका टाइम नोट करेंगे कितने टाइम आप कर सकते हैं और कितनी यहाँ पे मिस्टेक हुई है आपकी, ओके गाइस। तो ये हुई बात हमारे पास में, कितनी आपको डिक्टेशन करनी है डेली, आपको 2 सीन करनी है 1 अनसीन करनी है, दोनों में से एक एक आपको टाइप करनी है, टाइमिंग लगा के टाइम नोट करना है कितना लग रहा है एंड वहां पे कितनी मिस्टेक हो रही है ये भी, गाइस। थर्ड हमारे पास में आती है शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस, ठीक है। हमारे पास में जितना भी वीक है, हमारे पास में 5 वीक है, आप जानते हैं कि हमारे पास जितनी मैगजीन्स हैं उनके हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड सारे कवर करना काफी जरूरी है, ओके। आप में से कई स्टूडेंट्स के पास में मेरी वाली बुक हमारे पास में है जो एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए स्पेशल मैंने बनाई थी लास्ट मंथ में, ठीक है, जो काफी ज्यादा आपने लाइक भी की है, पसंद आई है आप सबको एंड उसको आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, काफी हेल्पफुल भी है वो। एंड गाइस वो बुक आप इसके साथ साथ में करेंगे, 5 वीक हमारे पास जितने भी टाइम है उसमें जितने भी वर्ड्स है हमारे पास 3000 से लेकर 5000 वर्ड्स जितने भी वर्ड्स है आप सभी को वो सारे वर्ड्स यहाँ पे कवर करने होंगे इस वीक में, इस मंथ में, ठीक है, ताकि हमारे पास सारे वर्ड्स इसके कवर हो जाए कैलाश चंद्र मैगजीन के, सारे इसमें वर्ड्स ये रखे हैं जो कैलाश चंद्र मैगजीन में डिफिकल्ट वर्ड्स में आते हैं, नॉर्मली आते हैं एसएससी स्किल टेस्ट में, ठीक है, जो स्किल टेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो सारे मैंने लिस्ट बना रखी है एंड वो आपको वर्ड्स काफी जरूरी है जो करना है, ठीक है। तो आपके पास में वो बुक है उसको करेंगे, ठीक है, इन 5 वीक में उस बुक को कंप्लीट करेंगे। 5000 वर्ड्स हैं तो हर वीक में 1000 वर्ड्स आप मान सकते हैं आपको करने होंगे, ठीक है। एंड बात करते हैं मेरे पास में फोर्थ आता है टेस्ट के बाद, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट कैसे करेंगे, गाइस आप सभी के लिए एक हैप्पी न्यूज है कि यहां पे डीएल जोन की तरफ से एक टेस्ट यहां पे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, जो इसमें आपको इसमें टेस्ट आप दे सकते हैं स्किल टेस्ट। यहां पे इस तरह से होगा कि आप टेस्ट अगर देना चाहते हैं आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद में आपके वैसे ऑडियो स्टार्ट होगी, ऑडियो का आपका टाइम होगा जैसे ऑडियो खत्म होती है 10 मिनट की, ठीक है, 800 वर्ड्स की, उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड वहां पे आपको टाइप करना होगा सारा कंटेंट जो आपने लिखा है एंड उसको टाइप करने के लिए आपको मिलेगा प्रॉपर जो टाइमिंग मिलता है एससी में।
वो सारा टाइप करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा एंड विद इन 2 डेज आपके पास में उसका रिजल्ट आ जाएगा कितनी आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे रही थी। ओके गाइस, तो वीकली यहाँ पे टेस्ट रहेगा एंड वो काफी जल्दी यहाँ पे आपको बता दिएगा किस तरह से आपको लॉग इन करना है। ठीक है गाइस, एंड बात करते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता चुका हूं मैं। गाइस अगर आपके पास में ये सारी चीजें नहीं है तो आप आज जो अपने इंस्टीट्यूट हैं वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आसपास की शॉप जो है क्या असल मैगजीन वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई इश्यू है कि वहां पे नहीं अवेलेबल है जो भी अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कलेक्शन मैगजीन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे एक फॉर्म दे रखा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो वहां पे आप क्वारी मेंशन कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आप कलेक्शन मैगजीन मंगवाना चाहते हैं वहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड की मैगजीन बुक नहीं है जिसमें सारे वर्ड्स दे रखे हैं, 5000 वर्ड्स दे रखे हैं, एसएससी स्पेशल बुक जो है वो आपके पास में नहीं है तो आप वहां पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसके बाद आपको कॉल कर ले जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर आप इंटरेस्टेड है स्किल टेस्ट के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट में आप ऐप यहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर देंगे सारी चीजें तो आपको कॉल कर लिया जाएगा काफी जल्दी गाइस। ठीक है, तो आपको अभी से वहां पे फॉर्म फिल करना होगा और आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको भेज दिया जाएगा। ओके गाइस, आई थिंक ये आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी एंड आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगी एसएससी स्किल टेस्ट के लिए। आप इसको फॉलो करें, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है गाइस, ये मेरी गारंटी है एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक गुड बाय। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले यार, एंड वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, गुड बाय।